और भले ही मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी का लाख दावा करती हो, लेकिन सच्चाई तो इसके उलट है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों को आज भी इलाज की दरकार है। इसकी वानगी अनूपपुर जिले के कोतमा विकास खंड में देखने को मिली है, जहां पर एक प्रसूता अस्पताल के बाहर तड़पती हुई नजर आई है और अस्पताल में ताला लटका मिला है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस कदर एक प्रसूता महिला अस्पताल के बाहर तड़पती नजर आ रही है और अस्पताल के सारे गेट बंद दिख रहे हैं। और ये पूरा मामला अनूपपुर जिले के कोतमा विकास खंड से है, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक प्रसूता महिला अस्पताल के बाहर तड़पती नजर आ रही है, लेकिन अस्पताल में ना कोई कर्मचारी है, ना कोई अधिकारी है और ना ही कोई डॉक्टर नजर आ रहा है। अस्पताल के सारे स्टाफों की कमी देखी जा रही है और अस्पताल के सभी गेट भी बंद नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ओंकार सिंह। ओंकार सिंह, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अस्पताल के सारे गेट बंद हैं, इस दौरान जो कर्मचारी थे, जो प्रशासन के जो डॉक्टर हैं वहां पर नियुक्त, वो कहाँ हैं? ओंकार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज सुन पा रहा हूँ जी, बिल्कुल। ओंकार जी, सबसे पहले सवाल यही है कि जिस प्रकार से हम एक तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर यही है कि एक प्रसूता महिला अस्पताल के बाहर तड़पती नजर आ रही है, लेकिन कोई भी अस्पताल का स्टाफ वहां पर नजर नहीं आ रहा है और अस्पताल के सारे गेट बंद नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है ओंकार? मामला ये है कि एक प्रसूता महिला जो है हॉस्पिटल से निगवानी क्षेत्र जो PSC है वहां पर पहुंची। पहुंचने के बाद वहां पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ नजरों में दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर और नर्सें छुट्टी पे चले गए हैं और वहाँ प्रसूता तड़प रही है और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की बिगड़ी हुई व्यवस्था उजागर हो रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारी बहनें ही बहनें, बहनों की कोई चिंता होगी, अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमराती व्यवस्था में लाचार दिख रही है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि एम्बुलेंस वहां पर उपस्थित है, लेकिन एम्बुलेंस का जो चालक है, ड्राइवर, क्या वो भी मौके पर नहीं था? मौके पर नहीं थे। और अस्पताल के जो डॉक्टर थे, क्या वो भी मौके पर नहीं थे? पर नहीं थे। इस मामले में जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, उनका क्या कुछ कहना है ओंकार जी? जिला जो स्वास्थ्य अधिकारी है मेन CMHO डॉक्टर सुरेश चंद्र राय से हमने इस मामले पे बात करने के लिए काफी कोशिश की है, फोन लगाने पे फोन कई बार लगाए लेकिन उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए ओंकार जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अनूपपुर जिले के कोतमा विकास खंड की, जहां पर अस्पताल की खस्ताहाल की जो व्यवस्था है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MKN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ खास खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। BCCI का ऐतिहासिक फैसला, महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को मिलेगी मैच की समान फीस। शाह ने किया ऐलान, BCCI का बड़ा फैसला। दिल्ली में कचरे पर BJP आप आमने सामने, गाजीपुर लैंडफिल साइट देखने पहुंचे केजरीवाल, बोले BJP ने कूड़े के 3 पहाड़ दिए। एट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, PM मोदी को लेकर दिया था भड़काऊ भाषण, MP MLA कोर्ट का फैसला।
प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार बिजली पोल से टकराई। और राजधानी भोपाल के फिल्टर प्लांट में हुआ क्लोरीन गैस का रिसाव, बस्ती में मचा हाहाकार, घरों से बाहर निकले लोग। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के विधानसभा गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ग्राम सुर्रा भाटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से निर्माण कराए गए यात्री प्रतीक्षालय, स्कूल प्रवेश द्वार और अन्य कार्यों का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता की जमकर सराहना की गई है। विधायक ने कहा कि लोगों के सुख दुख पर काम आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हार क्षेत्रवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते हैं।